हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होगे। माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट हेल्प। तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और प्लीज़ बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे कि मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आप तक तुरंत पहुंचे। अगर आपने कर लिया है तो बहुत अच्छा। तो वीडियो को लाइक करें और कोई भी डाउट क्लियर करना हो तो प्लीज़ कमेंट करें ज़रूर। तो आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई की प्रवेश परीक्षा, जो हर साल की भांति इस साल भी होने वाली है लॉकडाउन की वजह से। तो इसमें थोड़ी डेट में गड़बड़ी आ सकती है गाइस। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूर्णतः कोशिश करूंगा कि आपको सही देने की। अगर इसमें आपको थोड़ी भी मिस्टेक लगे तो आप प्लीज़ हमें बताएं, तो मैं आपको इसकी डेट टोटल, ज़्यादा दिन नहीं हुए, तो टोटल 7 दिन हुए हैं कि अब तक कहाँ हुआ है इसका, इसकी नोटिफिकेशन आ गई है जो कि हर यूनिवर्सिटी में आ चुकी हैं। तो आज हम आपको उसी में संभावित कार्यक्रम एवं फार्मेसी परीक्षा और पैरामेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालय संभावित सीटें परीक्षा का नाम CPNET 2020 उसके बारे में इंफॉर्मेशन। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट वी गैन। उत्तर प्रदेश में स्थित उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस UP UMS, पुराना नाम तो यही लिखा है उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान एवं अनुसंस्थान सैफई इटावा, जो महाविद्यालय एवं कॉन्स्टिट्यूट ऑफ कॉलेज, ये एक PGI कॉलेज है। ये बहुत बड़ा मेडिकल है और एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और मेडिकल कॉलेज है और पैरामेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज एवं बी फार्मा कॉलेज एक ही में बने हुए हैं, जो कि डेंटल कॉलेज, पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज, जो कि सैफई में स्थित हैं। और इसमें 5 सबसे बड़ी डिग्रियां, जो कि डिप्लोमा पाठ्यक्रम की सदस्य सरकारी सहायता आप तक प्राप्त करते हैं, जैसे डेंटल कॉलेज UG और PG कोर्सों में छात्र प्रवेश चिकित्सा शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार एवं केंद्र सरकार NEET के आधार पर करवाते हैं, ये एडमिशन देते हैं। तो वो परीक्षाओं को लेके हम आपको बता, जैसे विश्वविद्यालय में जो NEET आप पास कर तो उसमें भी एडमिशन आप ले सकते हैं, जिसमें MBBS, MD, MS, MDS एवं 2 डिप्लोमा को छोड़कर अन्य सभी डिप्लोमा में प्रवेश कराती है। तो इससे आपको कोई ज़्यादा खैर महत्व तो नहीं है। अगर आप NEET कर रहे हैं तो आपको NEET की वीडियो में आपको तुरंत दूसरी बना दूंगा। तो इसमें आपको बता देते हैं के नर्सिंग के एग्ज़ाम के लिए, तो नोट, विश्वविद्यालय में डिप्लोमा एवं एक्सरे टेक्नीशियन, डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्नीशियन एवं निजी सरकारी पैरामेडिकल संस्था उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल फैकल्टी, जो कि ओरिजिनल वेबसाइट ये इसकी है, तो उससे रिटेलर ये यूनिवर्सिटी करवाती, मतलब उसकी ये शाखा है, जैसे वहाँ से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये खुद की एक यूनिवर्सिटी है, जो कि हम आपको फ्रंट इसका दिखा देते हैं, ये आप ध्यान से देख लीजिए। और इसका ये उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय एवं पैरामेडिकल विज्ञान एवं महाविद्यालय, यहाँ पर आपका ये है कॉलेज, यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। तो इसकी परीक्षा मैं आपको बता देता हूँ, तो इसकी परीक्षा का संभावित तिथि इसकी आएगी जुलाई या फिर अगस्त में, जुलाई और 5 अगस्त के बीच में 100% आ जाएगी। तो इसकी परीक्षा का नाम है CPNET, आप लोगों को पता है हर साल की भांति वही एक वेबसाइट है जो CPNET 2020 के नाम से, आपको उसी ID पर ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर वहां पर आपको टच करना है, वहां से आपको एप्लीकेशन फिल करना है। और इसमें ऑनलाइन की 5 जून से 30 जुलाई तक बीच रहेगी, और ऑनलाइन मतलब जो जब जुलाई में इसकी परीक्षा संभावना आए ना, और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अगस्त के बीच में ही रहेगी, 1 जुलाई से अगस्त के, और ऑनलाइन CPNET के थ्रू हो गए। तो इसमें ये बता दें क्या क्या कोर्स होते हैं, तो इसमें होता है टोटल पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, तो 60 सीटें BMLT में होती हैं, BPT में होती हैं, BRIT में होती हैं और BOptometry में होती हैं, 60 सीटें जो कि बैचलर है। और हम आपको बताएं, और नर्सिंग में हम आपको बता रहे हैं कि नर्सिंग कॉलेज में और BSc नर्सिंग होती है, यहाँ पर 60 सीटें हैं इसमें, और फार्मेसी कॉलेज सैफई उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, बी फार्मा होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी, जो कि 4 साल का कोर्स होता है,
तो इसमें कुछ डिप्लोमा कोर्सेज की सीटें हैं एवं नर्सिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय। तो हम आपको डिप्लोमा बता दें जो कि टॉप 10 में हैं, जैसे डिप्लोमा GNM ले लो। तो इस साल जिम्नोमा का आखिरी मौका है, ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि GNM बंद हो रहा है। सिर्फ यही उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस यही करवाती है, जो कि 2021 में आपको बंद करा देगी। आपको आखिरी मौका है, आप इसमें एडमिशन करवा के आप भी अपना करियर बना सकते हैं। तो NM जो कि केवल फीमेल के लिए उपलब्ध है, पैरामेडिकल कोर्सेस। तो पैरामेडिकल डिप्लोमा के बारे में बता दें तो इसमें क्या क्या होते हैं, इसमें DOT, इसमें 30 सीटें हैं, डिप्लोमा ऑपरेशन टेक्निकल, ऑटोमेटिक जिसमें आपको 20 सीटें हैं, और DPT डिप्लोमा फिजियोथेरेपी आपको 20 सीटें हैं, DTT डिप्लोमा डायलिसिस, और DCT डिप्लोमा इन CT स्कैन, DCT डिप्लोमा इन कार्डियो टेक्नीशियन, और DMRI डिप्लोमा इन MRI, और 30 सीटें DETCP मतलब डिप्लोमा इन एमरजेंसी केयर टेक्नीशियन, और 15 है DVT डिप्लोमा इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन टेक्नीशियन। तो आपको जो सा कोर्स अच्छा लग रहा है तो आप उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए, और अच्छी आप रैंक लाइए और अच्छी आप मेरिट लाइए, तो इससे आपका एडमिशन हो जाए इस साल। तो आपको इसमें बता दें कि EWA कोटा मान्यता इसमें होता है, जो काउंसलिंग में आपको बिल्कुल मिलती है, तो इसकी सीटें भी कुल बचती हैं। और OBC जनरल, OBC SC जनरल, तो पूर्व भारतीय आरक्षण आपको मिलेगा। तो इस कॉल अगर आप जैसे OBC में, अगर आप जनरल में, तो अगर जनरल में आपकी सीट है तो आपको मिलेगी आपको सीट, अगर आप OBC में है तो आपको सीटें मिलेंगी, चाहे आपकी रैंक कितनी भी हो, आपको अगर सीटें बचती हैं और आप तक पहुंचती हैं तो आपको सीटें मिलेंगी। इसका ये मुझे बहुत अच्छा रूल लगा इस यूनिवर्सिटी का। तो उपयुक्त सभी सूचनाओं को विश्वविद्यालय की CP Net ये वेबसाइट आप देख रहे हैं, इसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जो आप खोल सकते हैं। और फीस की अधिक जानकारी, जैसे फीस के बारे में जानकारी लेनी हो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें कि बता दें उत्तर प्रदेश यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की एडमिशन की डेट आ गई है, खुशखबरी है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। तो थैंक यू, बाय बाय दोस्तों।